हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में है कि गाड़ी में क्या क्या एक्स्ट्रा काम हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये बम्फर के बगल में एक पाइप लगा है और ये फुट स्टेप पे एक थोड़ा सा पाइप जुड़ के इसको चौड़ा किया गया ताकि ड्राइवर आसानी से चढ़ सके, पैर वैर न स्लिप करे। और उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं पीछे साइड में, जहाँ पर एक बॉक्स बनाया गया है बड़ा सा, जिसमें ड्राइवर अपने सारे सामान रख सके, सिलेंडर वगैरह और जो तिरपाल उपाल होता है जिसकी ज़रूरत ना हो इस बॉक्स में रख के पैक कर सकता है, वो ये बॉक्स बनाया गया है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह रहती है और ये जो साइड गार्ड्स दिए रहते हैं इसी में अटैच कर दिया जाता है। और अभी भी यहाँ पे एक बॉक्स के लिए काफ़ी जगह बची हुई है। और फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ कंपनी के ऊपर जो मड गार्ड्स रहते हैं उनको काट के निकाल दिया जाता है ताकि हवा ले पाए टायर। और यहाँ पे जो पीछे देखिए, जो पीछे जो बम्फर रहता है उसको हल्का सा लिफ्ट किया जाता है ताकि पीछे अगर टायर गड्ढे में जाता है तो वो बम्फर अटक ना जाए रोड पे, तो थोड़ा सा बम्फर लिफ्ट किया गया है काट के, देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये पीछे प्रकार से काम किया गया है और पटर लगाने के लिए वो एंगल लगाया गया है और ये जो हुक होते हैं रस्से बांधने के लिए उनको भी मजबूत किया गया है। और ये दोनों गाड़ियों का बैक प्रोफाइल देखिए कितना शानदार काम किया गया है। और जो लाइटें होती हैं पार्किंग लाइट्स, इंडिकेटर लाइट्स, इनके ऊपर जाली लगाई गई है ताकि वो टूटे ना किसी भी तरह से, और काफ़ी अच्छा काम किया गया है। नीचे एक और सपोर्ट दिया गया है एक एंगल लगा के, और ये टायरों के जो मडगार्ड्स होते हैं इनको निकाल दिया गया है और थोड़ा कट मार्क जो ओपन कर दिया गया है ताकि टायरों को साफ़ करने में आसानी रहे। और ये देखिए ये चीज़ जो है ये फट्टा बॉक्स बनाया गया है, इसमें जो पटरे एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं पीछे डाले पे, जब काम ना हो अपने आप रख के इसको लॉक कर सकते हैं, कोई चोरी वगैरह नहीं करेगा। और ये देखिए मडगार्ड पे जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये लगाया गया था, और अभी इसमें एक काम और होना है, यहाँ पर सामने भी एक फुट स्टेप लगना है। तो ये देखिए दोनों गाड़ियों में एकदम सेम टू सेम काम हुआ है। मैं आपको वॉक अराउंड करके दोनों गाड़ियों का काम दिखाता हूँ, बस यही सबसे ज़रूरी काम यही होता है गाड़ियों में। और आप चाहें तो और भी काम करवा सकते हैं लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, ये होना ही होना है। ये पटरा वगैरह रखने के लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, सेफ्टी हो जाता है पटरे का, अगर ना काम हो तो उसमें आप रख के लॉक वगैरह कर सकते हैं। देखिए दोनों टायरों के ऊपर जो वो मडगार्ड्स होते हैं उनको काट के निकाल दिया गया, छोटा कर दिया गया है ताकि टायरों की जो गर्मी होती है वो निकलती जाए और कुछ कंकड़ पत्थर फंसे तो उसको निकाल लिया जाए। और ये देखिए बैक प्रोफाइल कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे जो होता है चेसिस के ऊपर उसको काट के बॉक्स बनाया गया ताकि जो स्पेयर रॉड होता है वो तिरपाल वाला सबसे ऊपर वाला उसमें रखा जाए, अगर उसकी ज़रूरत ना हो तो इसमें रख के उसको भी लॉक कर सकते हैं आप आराम से। काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया गया है यहाँ पर। और ये रहा फाइनल काम, अब टचअप होने वाला, टचअप हो चुका है, पेंट हो रहा है फाइनल काम। अब पेंट होने के बाद गाड़ी यहाँ से रिलीज होगी, उसके बाद गाड़ी पहुँचेगी घर, उसके बाद मैं बनाऊंगा डिस्क्रिप्टिव वीडियोस और उसमें मैं बताऊंगा कितना खर्चा लगा हमें बॉडी बनवाने में एक गाड़ी पे, और मिनिमम आपको क्या करवाना पड़ेगा। आप चाहें तो ना क्या ना करवाएं, और अगर आपकी मर्ज़ी है कि आपको मिनिमम कितना काम करवाना होगा ताकि गाड़ी आपकी मजबूत हो जाए और रोड पर चलने लायक हो जाए। अभी गाड़ी में हमारा जो वो बम्फर के सामने एक फुट स्टेप्स होता है जिसे शीशा साफ किया जाता है वो नहीं लगा है, वो अभी लगेगा नेक्स्ट वीडियो में, शायद वो आपको दिखे पूरी तरह से। तो गाड़ी में कितना पैसा लगा क्या हुआ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।